हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस के पास है। और जैसे आज से नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, पहला नवरात्र है आज का, तो हम आपके लिए दर्शन कराने के लिए लाए हैं। आशा करते हैं आपको ये भी वीडियो और वीडियोस की तरह पसंद आएगी। कालकाजी मंदिर बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठा द्वारा सन 1764 ईस्वी में किया गया था। बाद में सन 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकार राजा केदारनाथ ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। कालकाजी मंदिर के बारे में हिंदू कथाओं में बताया गया है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर कालकाजी मंदिर है, वहीं पास में कुछ देवताओं के मंदिर थे, जिनको वहीं पास में रहने वाले दो राक्षस लोग बहुत परेशान किया करते थे। जब वह बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने उसकी शिकायत भगवान ब्रह्मा जी से की, लेकिन ब्रह्मा जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और उनको सलाह दी कि आपकी समस्या का समाधान के लिए आप माता पार्वती जी से मिलें। वह दोनों माता पार्वती जी के पास गए और उनको अपनी समस्याएं बताई, तो माता पार्वती ने अपने मुंह से देवी कोशिका को बाहर निकाला और उसके आदेश दिया कि इन दोनों दानवों का वध करो। देवी कोशिका के उन पर आक्रमण करने के बाद जैसे ही देवी कोशिका उन्हें मारती, उनका रक्त जमीन पर गिरता और वो फिर से पैदा हो जाते। ऐसा करते करते देवी कोशिका बहुत परेशान हो गई। यह देख माता पार्वती को दया आई और देवी कोशिका की बहु से काली देवी का जन्म हुआ। काली देवी ने इस सभी राक्षसों को मारकर उन सभी का रक्त पी लिया। सभी राक्षसों को मारने के बाद काली देवी यहीं पर रहने लगी। तभी से इस मंदिर का नाम काली माँ के नाम से जाना जाता है। कालकाजी मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण ईंट और संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। मुख्य मंदिर के गर्भ गृह में माता का शक्तिपीठ विराजमान है। मंदिर के सामने बाहर आंगन में दो बाघों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इन दोनों बाघों के नीचे संगमरमर का आसन बनाया गया है। इस मंदिर में काली देवी की एक पत्थर की मूर्ति भी स्थित है, जिस पर उनका नाम हिंदी में लिखा हुआ है। इस मूर्ति के सामने एक पत्थर का बना हुआ त्रिशूल भी खड़ा किया गया है। कालकाजी मंदिर पूरे साल भर खुला रहता है। यह मंदिर किसी भी दिन बंद नहीं होता। मंदिर खुलने का समय प्रातः 4 बजे, रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दिन में 11:30 से 12 बजे के बीच 30 मिनट तक भोग लगाने के लिए यह मंदिर बंद रहता है और शाम को 3 से 4 बजे के बीच साफ सफाई के लिए यह मंदिर बंद रहता है। बाकी किसी भी समय आप इस मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम भवन के ऊपर मंदिर के ऊपर छत की परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ यहाँ की कैसी स्थिति है। दोस्तों, अभी हम दर्शन करके आए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और अभी हम वापसी की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम अब
बाहर की तरफ निकल चुके हैं दोस्तों। पहला नवरात्रा है तो उसके हिसाब से भीड़ भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा, थैंक यू, बाय।